गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू बेटा? आई होप यू आर ऑल फाइन। ये बेटा हमारी एक्सरसाइज 3.8 का फोर सम है। थ्री सम हमने पहले वीडियो में डाला है, ये फोर सम हम इस वीडियो में डालेंगे। हमारी स्टेटमेंट क्या है? 11/20, यानी हमें इसमें क्या करना है? डिवाइड करना है। लेकिन ये स्टेटमेंट आपको अलग दिख रही है, ऐसे स्टेटमेंट का आपने अब तक कोई सम नहीं किया है। एक मिनट बेटा, मैं आपको दिखा देती हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो। ये देखो बेटा, हमारा फोर्थ सम है 47 है, जो 11/20। कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू डेसिमल फ्रैक्शन। इसके अंदर आपने डिवाइड किया, सिंपल डिवाइड किया है। डेसिमल वाला मैंने अभी डाल दिया है, इसमें ज़्यादा डिफरेंट नहीं है, थोड़ा सा था वो मैंने आपको बता दिया है। और आपको ये रिविज़न के लिए डाल रही हूँ, वैसे सभी को आते हैं, ये थोड़ा सा अलग है। इसको मैं अभी एक बार करा देती हूँ वीडियो के थ्रू। 11/20 यानी 11 को हमें 20 से डिवाइड करना है। ये होगी हमारी स्टेटमेंट, किससे डिवाइड करना है? 20 से। आंसर हम फिर यहाँ लिखेंगे इसके सामने, पहले हम देखेंगे हमारा क्या आंसर आएगा और कैसे आया। 11 को हम 20 से डिवाइड नहीं कर सकते क्योंकि 11 संख्या कम है, 20 ज़्यादा है। तो हमें कैसे करना पड़ेगा? डेसिमल पॉइंट लगा के हम 11 और 20 लिखेंगे यहाँ पर। कैसे? ऐसे। इसको कैसे करना है? 21 जा 20 भी 11 से हमारा ज़्यादा है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर? जीरो लगा के और एक जीरो और यहाँ पर ले आएंगे। जब भी हमें यहाँ पर कोई जीरो या कोई और डिजिट, नेक्स्ट डिजिट लेके आनी है, जैसे मान लो हमें जीरो ही लेके आनी है, तो हमें यहाँ पर भी एक जीरो देनी होगी। पहले हम ऊपर जीरो लगाएंगे, तब हम नीचे यहाँ लेकर आ सकते हैं। अब क्या आएगा? 20 की टेबल में 110 हो या फिर इससे कम हो, इससे ज़्यादा ना हो। तो 21 जा 20, 22 जा 40, 23 जा 60, 24 जा 80, 25 जा 100, तो 26 जा 120, वो ज़्यादा हो गया। तो 25 जा 100, 100 को हम 110 से सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमारे पास कितना बचेगा? जीरो में से जीरो गई, जीरो और वन का वन। अब हमें क्या करना होगा? यहाँ पर हम डेसिमल पॉइंट देते, एक जीरो और ले आएंगे। क्या करने के लिए? हम अपने कंप्लीट जो है डिवाइड करने के लिए। फिर से ये कहाँ जा रहा है? 500 पर, 500 पर 25 जा 100। यहाँ पर हमारा क्या बचा? रिमाइंडर बचा है। क्या बचा है यहाँ पर हमारा? रिमाइंडर। अब ये देखो बेटा, अगर हमारा ये यहाँ पर डिवाइड हो रहा है तो हम डिजिट लगा के इसको डिवाइड कर देते हैं। अगर यहाँ पर एक जीरो लाने के बाद भी अगर ये हमारा डिवाइड नहीं हो रहा तो हम इसको यहाँ रिमाइंडर बचा लेंगे, ठीक है? अगर यहाँ रिमाइंडर बचता है तो भी आपका सम जो है रॉन्ग नहीं होगा, वो राइट ही होगा, ठीक है? ये यहाँ पर देखो कर रखा है, ध्यान से देख लेना। यहाँ मैंने साथ साथ करके भी दिखा दिया है। 20 जीरो लगा के हम यहाँ जीरो ले आए, 25 जा 100, सब्ट्रैक्ट किया 10 बचा। अब हमारा आगे जा सकता है तो हम एक जीरो लगा के इसको 5 जा पर कंप्लीट डिवाइड कर लेंगे। अगर यहाँ पर एक जीरो लगाने के बाद हमारा डिवाइड नहीं हो रहा तो ये रिमाइंडर बच जाएगा और 0.5 हमारा आंसर आ जाएगा। लेकिन ये हो रहा है तो क्या आ गया हमारा आंसर? 0.55। और आंसर हम कहाँ लिख देंगे? यहाँ पर लिख देंगे सामने आंसर। अब इसी में एक स्टेटमेंट और दी है थोड़ी सी अलग, ये तो था बिल्कुल सीधा, इसमें क्या कर रखा है इसने? इसको हमें पहले सीधा करना पड़ेगा। सीधा कैसे करते हैं? हम इस संख्या को और इसको दोनों की हम क्या करते हैं? मल्टीप्लाई। और जो आंसर आता है उसके अंदर हम वन को क्या करते हैं? ऐड करते हैं, तब जाके हमारा सम क्या होता है? सीधा। देखो 16/1/5, तो इसकी और इसकी हमने मल्टीप्लाई की, 16/5 जा या 5 की 16 की मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आता है हमारा? 80। 16 की टेबल आपको आती होगी ना, 16/5 जा 80, और उसके अंदर 1 हमें प्लस करना है। यहाँ पर कोई भी संख्या हो उसको हम प्लस करेंगे और इधर वाली को हम मल्टीप्लाई करेंगे, तो 81 हो गया। 81/5 हमारा सीधा करके आ गया। अब हमें क्या करना है? 81/5 बिल्कुल सिंपल हो गया है, तो 81 को हम किससे? 5 से डिवाइड कर देंगे। एक स्टेटमेंट लेके चलेंगे हम इसकी, 5 1 जा 5, 8 में से 5 सब्ट्रैक्ट किए 3 बचे, नेक्स्ट डिजिट हमारी कौन सी? 1, उसको ले आए। ये 5 6 जा 30, 1 रिमाइंडर बच गया।
डेसिमल पॉइंट लगा के हम जीरो ले आएंगे तो 5 2 10 यानी 16.2 हमारा आंसर राइट आ जाएगा। बिल्कुल इजी सम है, आपको ये ध्यान से करना, बस ध्यान ये रखना है डेसिमल पॉइंट का कि हमें वॉल नंबर से कितनी तरफ लेके चलना है या डेसिमल फ्रैक्शन से कितनी तरफ लेके हमें जो है डेसिमल पॉइंट लगाना है। ठीक है बेटा, ये आपकी एक्सरसाइज है, आज आपको इस एक्सरसाइज को 3.8 को कंप्लीट कर लेना है। टू सम है इसके, थर्ड और फोर्थ। देखो यहाँ डिवाइड में यहाँ 4 प्रिंट हुआ है, ये मिस प्रिंट है, ये थर्ड सम आपका और ये नीचे वाला फोर्थ, कहीं इसमें कंफ्यूज हो जाओ। पहले आप इस वीडियो को बहुत अच्छे से देखोगे, समझोगे और तब आप सम स्टार्ट करोगे। ओके, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।